हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में खास है, मैं अब हर वीडियो में पहले आपको ये बताऊंगी कि आप मेरे चैनल को कैसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको YouTube ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बटन में लिखना है हेल्थ ब्यूटी। और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर मेरा इस तरह से चैनल आ जाएगा हेल्थ ब्यूटी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये मेरा चैनल आपको दिख रहा है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और साथ में यह नोटिफिकेशन बेल है, इसे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगी कि आप मेरे चैनल पे बहुत ऐसी वीडियोज़ है जो नहीं देख पाते, तो देखिए यहाँ वीडियोज़ में जाके मैंने जो भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो ऊपर प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं चाने डिज़ाइन बनाने का तरीका, गेट पर्दा डिज़ाइन, बेडशीट, चाने डिज़ाइन, गेट पर्दा बनाने का तरीका, प्लास्टिक फ़ैन, और भी बहुत ऐसे हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए, वो सारे डिज़ाइन हैं, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना मैंने आपको जानकारी दे दिया है ताकि जो लोग दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। और ये न्यू लुक का गेट पर्दा डिज़ाइन है, तो इसे इन तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं तो, कि ये गेट पर्दा डिज़ाइन कैसे बनाए। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे बनाए, और आज की वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप उसे मिस नहीं कर पाइएगा। तो ये तीन लेयर तक बना है और इसमें कलरी आप देख सकते हैं किस टाइप का बना है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने सिंपल सी पट्टी बना ली है और उसमें हमें अब बनाना है, तो हम पहले एक जगह इसे ज्वाइन कर लेंगे, बांध लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे हमें एक ही जगह से देखिए कितना फंदा लेना है, एक फंदा, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पे हम छः फंदा लिए, आप चार फंदा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए छः फंदा लेने के बाद हमें यहाँ पे दस चैन या पंद्रह चैन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ी सी दूरी पे देखिए आप 10 ले, 15 ले, 20 ले, आप जितना गैपिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो सेम एक ही स्टेप्स को दो बार तीन बार इसमें रिपीट किया गया है। तो देखिए हमें 10 चैन या 15 चैन ले लेना है और हमें दो घर नीचे का हटा के थोड़ी सी दूरी पर और एक ही जगह से हमें दो फंदा और ये तीन, तो हमें तीन फंदा ले लेना है। मतलब एक जगह से हम छः फंदा लिए हैं और फिर हम एक जगह से दो फंदा लिए हैं, तो हम फिर दस चैन लेंगे और छः फंदा लेंगे, फिर छः फंदा के बाद हमें तीन फंदा लेना है। तो इस तरह से आप जितना घर बनाना चाहते हैं आप उतना फंदा ले लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने तीन बना लिया है, मतलब एक जगह से छः फिर तीन, इसी तरह से हमें टोटल लेयर में ले जाना है। आपको जितना घर बनाना है लास्ट तक जितना घर इसमें आ जाए, तो मैं तीन घर पे ही आपको बता रही हूँ। तो जहाँ हमने छः लिया था उसमें से अब हर घर से हम दो दो निकालेंगे, तो हमारा यहाँ 12 घर बन जाएगा। तो हर घर से हमें दो दो लेना है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद हमें चैन दो घटा लेना है, जैसे अगर हम 15 लिए हैं तो दो घटा लेंगे, 13 घर ले लेंगे या तीन घटा लेंगे, जितनी दूरी हो उतनी पे हमें ले लेनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा 6 के बाद यहाँ पे हमने हर घर से दो दो ले लिया है, तो 12 घर बन चुका है। अब हमें दो कम चैन लेना, जैसे अगर हमने 10 लिया है तो अब 8 चैन लेंगे। और उसके बाद जहाँ हमने तीन लिया था सेम, हम अब हम एक ही जगह से उसमें तीन लेंगे फंदा, जिसमें तीन है उसमें हमें तीन ही लेना है। उसके बाद हम फिर चैन लेंगे और जिसमें 6 लिया हमने उसमें अब हमें 12 लेना है, मतलब हर घर से दो दो लेना है। तो देखिए देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो अब हमें इसे पलट लेना है, तो इसी तरह हमें टोटल पट्टी में इस सेम ये सेकेंड स्टेप इसी तरह से जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फिर हमें हर एक घर से दो दो लेना है। छः हमने 6 घर से 12 लिया था, फिर 12 घर से हमें दो दो लेना, मतलब यहाँ पर हमारा 24 घर बन जाएगा। हर घर से हमें दो दो फंदा निकालना है और उसके बाद हम कुछ चैन लेंगे और जिसमें से हमने तीन लिया है उसमें से हमें तीन ही लेना है। तो देखिए
देखिए इस तरह से हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पूरे पट्टी में हम जितना इस तरह का बनाना चाहे, घंटी आप इसे कह लीजिए, तो आप जितना बनाना चाहते उतना बना लेंगे। तो इस तरह से हमने तीन बना लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जो भी कलर आपको पसंद हो, रेड, बैंगनी, ब्लू, पीला, जो भी, तो इसमें अब हमें क्या करना है, हर एक खंड से हमें पांच पांच फंदा निकालना है। पांच निकाल लें या छः निकालें, मतलब हम जितना हरे घर से निकालेंगे उतना ही ये घना बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हमें हर एक घर से पांच पांच निकाल लेना है। तो देखिए मैं इतना ही आपको बता रही हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं बस आपको इसमें ट्रिक बता रही हूँ। जब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हर एक घर से हमें निकाल लेना है पांच पांच, और जिसमें से तीन है हम उसमें से तीन ही लेंगे, ठीक है। तो ये जब हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, वो हमें क्या करना है, इसमें से जिसमें हमने छः घर लिया था तो इसमें से हमें तीन निकालना है। साइड में हमें तीन फंदा लेना, और जिसमें हमने तीन लिया था उसमें अब हमारा छः फंदा होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप सेम इसके अपोजिट होगा, मतलब जिसमें से हमने छः फंदा लिया था उसमें हमें तीन फंदा लेना, और जिसमें हमने तीन लिया था इसमें हम छः लेंगे बारह, मतलब जिसमें हमने तीन लिया है उसमें छः लेंगे, फिर बारह लेंगे, फिर चौबीस लेंगे, और जिसमें हमने पूरा कंप्लीट करके घंटी बना लिया उसमें से हमें तीन ही फंदा लेना है। तो इसी तरह से इसके बाद हमारा दो मतलब बराबर से घंटी तैयार होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बता दिया। सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं, जिसमें से हमने दो फंदा तीन फंदा लिया था उसमें से सेकेंड स्टेप में घंटी बनते हुए गया है। तो जिसमें नेक्स्ट स्टेप में जिसमें भी तीन फंदा रहेगा उसमें से घंटी बनेगा, और जिसमें घंटी बन चुका है अगले स्टेप में, मतलब जिसमें घंटी बन चुका है अगले स्टेप में उसमें से तीन फंदा लेना है, और जिसमें से तीन फंदा हमने लिया उसमें से हमें छः फंदा लेना है। तो इस तरह से हमारा स्टेप कंप्लीट होगा। तीन लेयर तक ये गया है और इसमें लरी बनाया गया है नीचे, आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो में इसे देख के समझ गए होंगे, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक।